जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आगे। अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ऋतुराज सर ऑफिशियल लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हमारे आज इसरो इज प्रिपेयरिंग टू सेंड अ फीमेल रोबोट नेम व्योममित्र टू स्पेस ड्यूरिंग द गगनयान मिशन। इसरो गगनयान मिशन के दौरान व्योममित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब अपने अगले मिशन पर फोकस कर रहा है, जिसमें सूर्य मिशन आदित्य L1 और भारत का पहला मानव मिशन गगनयान शामिल है। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हो गया, चंद्रयान 3 ये सक्सेसफुल हुआ, आदित्य L1 ये सूर्य से जुड़ा हुआ मिशन है, जो कल यानी 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मिशन है, दैट इज गगनयान। गगनयान दोस्तों, गगनयान की बात करें तो ये इसरो का पहला मानव मिशन है। मानव मिशन यानी जहां पर किसी पर्टिकुलर मानव को या रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन की तैयारियों में इसरो बहुत पहले से ही काम कर रहा था, और उसी के साथ एक स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से महिला रोबोट व्योममित्र को स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर के पहले या दूसरे वीक, फर्स्ट और सेकेंड वीक में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे भारत के पहले मानव मिशन के रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। यह वही रूट फॉलो करेगा जो पहला मानव मिशन धरती की ओर लौटेगा। महिला रोबोट व्योम मित्र को इसमें शामिल किया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर ये व्योम मित्र के बारे में बात कर लेते हैं कि व्योम मित्र है क्या, व्हाट इज व्योम मित्र। दोस्तों, महिला व्योम मित्र रोबोट को गगनयान मिशन के तहत इसी साल स्पेस में भेजा जाएगा। व्योम मित्र 2 संस्कृत शब्द व्योम और मित्र से मिलकर के बना है। ये 2 संस्कृत के शब्दों से मिलकर के बना है, पहला जिसे बोला गया व्योम और दूसरा जिसे कहा गया मित्र। दोस्तों, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब होता है दोस्त या मित्र, जिसको अपन कहते हैं। तो अंतरिक्ष मित्र ये इसका नाम है, इसलिए इसको व्योममित्र कहा जाता है। व्योममित्र एक हाफ ह्यूमेनॉइड का प्रोटोटाइप है, जिसे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, व्योममित्र रोबोट में क्या है खास। तो दोस्तों, व्योममित्र मॉड्यूल मापदंडों के माध्यम से संचालित हो सकता है, साथ ही ये अलर्ट भी भेज सकता है, साथ ही ये अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत कर सकता है, उन्हें पहचान सकता है और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है। ये हाफ ह्यूमेनाइड अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करेगा। इसरो के महिला व्योममित्र रोबोट को 3 साल पहले ही दुनिया के सामने पेश किया गया था। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमेनाइड रोबोट के रूप में जाना जाता है। इसे सबसे पहले साल 2021 इवेंट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन के उद्घाटन सत्र में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा गगनयान मिशन की। गगनयान ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो का। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। याद रखिएगा, मानव अंतरिक्ष क्षमता का उड़ान प्रदर्शन करना। इस मिशन के तहत 3 स्पेस क्रू मेंबर को स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही है, और उन्हें सुरक्षित भारतीय समुद्री जल में उतारकर पृथ्वी पर लाने की भी तैयारी की जा रही है। इस गगनयान मिशन को 3 दिनों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत स्पेस क्रू स्पेस में 400 किलोमीटर की ऑर्बिट तक जाएगा। गगनयान मिशन के तहत क्रू मेंबर को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल सहित कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जा रहा है। स्पेस में क्रू मेंबर को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान किया जाएगा। इमरजेंसी की सिचुएशन में भी क्रू मेंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन अगर स्पेस में आती है तो उसे कैसे टैकल करना है। गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो अपने पावरफुल रॉकेट जीएसएलवी एमके थ्री का प्रयोग करेगा, जिसे लॉन्च व्हीकल Mk3 LVM3 के नाम से भी जाना जाता है। इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल, मानव को ले जाने वाला स्पेस क्राफ्ट और सर्विस मॉड्यूल
जिसमें तरल प्रणोदक इंजनों के द्वारा संचालन शामिल है। फ्रांस भी इस पर्टिकुलर मिशन में कर रहा है सहयोग, यानी कि भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के पास अंतरिक्ष चिकित्सा के लिए एक अच्छा सिस्टम मौजूद है। इसमें CNES की सहायक कंपनी MEDES अंतरिक्ष क्लिनिक भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गगनयान और व्योम मित्र की कहानी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।